नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस बार हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा इस दिन समझ लीजिए कि जो आप करना चाहती हैं वह आपका कार्य बनेगा और आप जो नहीं चाहती हैं वह आपको मिल जाएगा। अर्थात कि दोस्तों, इसके अंदर यह बात है कि अगर आप शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जो आप आशा नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है तो सब मिल जाता है, और जो आप उपाय करती हैं तो दोस्तों वह तो आपको निश्चित तौर पर ही मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा का काफी महत्व है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और जो धन प्रियोपित वास्ते तीनों चीजें आपको प्रदान करता है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा जो कि मंगलवार का दिन है और जिस रात्रि आसमान से अमृत बरसने वाला है, ज्योतिष के अनुसार इस दिन विशेष प्रयोग और नियमों का पालन करके अच्छे स्वास्थ्य, प्रेम और खूब सारा धन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हासिल कर सकता है। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास करने का भी व्यक्ति प्रयास करता है तो भी उसको धन लाभ प्राप्त होता है। उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखने को मिलती है। अगर दोस्तों, अगर आप इसे उपहार नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना आपके लिए बेहतर माना जाता है। इस दिन दोनों आप इन बात का ध्यान रखिए कि काले रंग का प्रयोग ना करें, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों अब आपको बताती हैं जो उपाय जो शरद पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की कभी भी कमी ना रहे, आसमान से जो अमृत बरसे तो आपको उपाय करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रात के समय आप स्नान करके गाय के दूध में घी मिलाकर खीर बनाएं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर आप उनकी पूजा करें, और मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाए तब चंद्रदेव की उपासना कर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। खीर को दोस्तों 5 मिट्टी या चांदी के पात्र में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और प्रातः काल सूर्य देव के समय पूर्व से इसे खीर का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। प्रेम में सफलता के लिए जिसे इस समय राधा कृष्ण की उपासना करें और गुलाब के फूलों की आपको माला अर्पित करनी चाहिए। अपार धन की प्राप्ति के लिए दिन रात्रि के समय माँ लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जला करके गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। दोस्तों, निश्चित तौर पर अपार धन की आपको प्राप्ति होती है। इसके बाद सफेद मिठाई और सुगंधित अर्पित करें और श्री श्री कमले कमलाली प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर कभी भी धन का अभाव नहीं हो सकता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो बुरा दौर था वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।